अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल सैर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। नाजरीन, तैयारे का दरवाज़ा दुरान परवाज़ खुल जाने से मुसाफिरों में दहशत फैल गई। दबाव की वजह से तैयारे का दरवाज़ा परवाज़ के दौरान साइंसी तौर पर नहीं खुल सकता। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में परवाज़ के दौरान हवाई जहाज़ का दरवाज़ा खुल सकता है? रूसी तैयारे का दरवाज़ा दुरान परवाज़ ही खुल गया और मुसाफिरों में दहशत फैल गई। मुसाफिरों को दरअसल तैयारे का पिछला दरवाज़ा खुलने के बाद खौफ के लम्हात का सामना करना पड़ा। इस तैयारे में 25 मुसाफिर सवार थे। दुनिया के सर्द तरीन इलाके से टेक ऑफ करते वक्त इस परेशानी का सामना करना पड़ा। साइंसी तौर पर जहाज़ का दरवाज़ा जब परवाज़ में होता है तो दबाव के अंसर की वजह से नहीं खुल सकता, लेकिन खबर के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि रूसी तैयारा कामर था क्योंकि उसने बमुश्किल टेक ऑफ किया था और वो बड़ी बुलंदी तक नहीं पहुंचा था। मंजरेआम पर आने वाले एक वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि एरो एंटोनोव नामी तैयारे में अफरा तफरी का आलम है और मशरकी साइबेरिया के याकोत्स्क इलाके के शहर मैगन के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद तैयारे का सामान हवा में उड़ रहा है। मशरकी साइबेरिया में दर्जा हरारत -41 है। परवाज़ के दौरान तैयारे का जो दरवाज़ा खुल गया था उसे आमतौर पर चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दरवाज़ा हमले को मजबूती से बंद करना होता है। दरवाज़ा खुलने की वजह से शदीद सर्दी के बावजूद तैयारे के पायलट ने मुसाफिरों को कोई नुकसान पहुंचाए बगामी लैंडिंग की। ख्याल रही कि सिविल मुसाफिर तैयारे आमतौर पर 10,000 से 12,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज करते हैं और इस बुलंदी पर दबाव की वजह से दरवाज़ा नहीं खुल सकता। मज़ीद मालूमती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।